फ्रेंड्स, क्या आपके घर में मेहमान आने वाले हैं और घर में कोई मिठाई नहीं है? अब कोई टेंशन नहीं, बनाएं इस तरीके से 10 मिनट में इंस्टेंट नारियल के लड्डू। कोकोनट लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये सारे इंग्रेडिएंट ले लिए हैं। यहाँ हमने जो है मिल्क पाउडर लिया है, कोकोनट पाउडर जो शॉप में मिलती है इस तरह की कोकोनट पाउडर, और यहाँ पर हमने 2 चम्मच जो है शुगर ले लिया है। शुगर को हमने यहाँ पर जो है पाउडर, शुगर का पाउडर बना लिया है, और थोड़े किशमिश लिए हैं, बादाम लिया है, काजू लिया है, और थोड़े से इलायची पाउडर लिया है, और 1/2 कप दूध लिया है। फ्रेंड्स, हम इस मिठाई को बिना गैस जलाए बनाएंगे। हम लेंगे 1 बाउल जो है मिल्क पाउडर, और इसमें हम मिलाएंगे 1 बाउल कोकोनट पाउडर, और हम इसमें डालेंगे ये 2 स्पून अपनी चीनी। चीनी हम 2 स्पून ही इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मिल्क पाउडर जो है ऑलरेडी मीठा होता है। और इसमें हम डाल देंगे अपने ये ड्राई फ्रूट्स। काजू को मैंने यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट को हम ऐसे अच्छे से मिला लेंगे, और फिर हम इसमें जो है हल्का हल्का जो है दूध ऐड करेंगे, थोड़ा दूध और ऐड करेंगे। मैंने इसमें सिर्फ जो है 2 स्पून ही जो है मिल्क डाला था। ये देखिए कितने अच्छे से बाइंड हो रहा है मिक्स करने के बाद। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है। अब इस तरीके से जो है हम इसका ऐसे लड्डू बनाते जाएंगे इस तरीके से। देखिए देखिए, इसमें से नारियल जो है अपना तेल भी छोड़ रहा है, जो हमने नारियल का इसमें बुरादा लिया हुआ था वो जो है तेल भी छोड़ रहा है। इस तरीके से लड्डू को बनाकर हम यहाँ थोड़ा सा जो है नारियल का बुरादा जो है नारियल का पाउडर बचा के रखेंगे, और उसमें इस तरीके से लड्डू को जो है रैप करते जाएंगे, और हम इस तरीके से लड्डू जो है बनाते जाएंगे। इस तरीके से आप बिना गैस जलाए जो है नारियल के लड्डू बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये आजकल के फेस्टिवल में जो शॉपकीपर मिठाइयों में कितनी मिलावट करते हैं, तो आप इस तरीके से घर पर मिठाइयाँ बनाइए और अपने फैमिली को खिलाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर टाइम मिलती रहे। थैंक यू।